आशुतोष प्रताप सिंह जी की ओर से सभी क्षेत्रवासियों एवं भारतवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। रघुवंशी किसान सेवा केंद्र थोक व फुटकर विक्रेता हमारे यहां सभी प्रकार की सब्जियों, अनाजों, चारा, दलहन, तिलहन आदि के विष एवं कीटनाशक दवाओं के थोक व फुटकर विक्रेता हैं। संपर्क करें रानीगंज जनपद अमेठी, मोबाइल नंबर है 7800858888 पर या फिर 7007183915 पर। नमस्कार, मैं हूं खुशबू शुक्ला और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। अमेठी जनपद के थाना जामो कस्बा का है मामला। मां बेटी के आत्मदाह के मामले में हिंदू मुस्लिम की राजनीति, सपा पर लगा गंभीर आरोप। नाली के मामले विवाद से शुरू होने वाला झगड़ा लोक भवन के सामने आत्मदाह करने तक पहुंच गया था, जिसमें मां बेटी ने लोक भवन के सामने आग लगाकर आत्मदाह करने की कोशिश की थी, जिसमें इलाज के दौरान मां की मौत हो गई थी। अब उस मामले में राजनीतिक पार्टियां भी अपनी रोटी सेक रही हैं। हम आपको बता दें कि दरअसल मामला अमेठी जनपद के थाना जामो कस्बे से जुड़ा हुआ है, जहां पर जमीनी विवाद में नाली कोलिया को लेकर झगड़ा हुआ था। अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है, जहां कुछ दिन पहले आत्मदाह करने वाली महिला के परिवार से मिलने वाले समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आया था। वहीं सपा अध्यक्ष की तरफ से भेजे गए थे 2 लाख रुपए का चेक भी। उसके बाद आज भूपेंद्र मिश्रा, विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष, अमेठी के अन्य पदाधिकारियों की टीम के साथ दूसरे पक्ष अर्जुन गुप्ता हिंदू परिवार से मिलने पहुंचा और विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष ने कांग्रेस और सपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को सिर्फ मुस्लिम समुदाय का वोट चाहिए, जबकि सब जानते हैं कि ज्यादा पीड़ित हिंदू परिवार हैं, जबकि मुस्लिम परिवार को अवैसी की पार्टी के जिला अध्यक्ष और कांग्रेस के पदाधिकारियों ने आत्मदाह करने के लिए उकसाया था, जिसके आरोप में सभी जेल में भी बंद हैं। फिर भी सपा वाले मुस्लिम परिवार की मदद कर रहे हैं, जबकि हिंदू परिवार पीड़ित है। हम लोग इनके ऊपर हो रहे अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्राइम न्यूज 24 मंडल ब्यूरो अयोध्या के साथ अमेठी से ओम प्रकाश सिंह की रिपोर्ट। आपके यहाँ जो भी विश्व हिंदू परिषद वाले हैं, क्या आश्वासन दिए हैं? ये आश्वासन दिए हैं कि हम आपके इस कंधे आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर रहेंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे हम अपनी ओर से। और ये भी हमारा ये नाली का विवाद था, जो वो हमारी ही जमीन पर नाली जबरदस्ती बना रहे थे। हम लोगों को मना करने पर उन्होंने जबरदस्ती हम लोगों को मारा पीटा और घर में घुस घुस के मारे भी। और ये क्या कहते हैं, और ये हमारे ऊपर झूठे छेड़खानी का मुकदमा दर्ज करा चुके हैं, ये जिसके ऊपर हम लोगों को जेल भी जाना पड़ा। हम लोग चाहते हैं कि हमारे केस पर भी कार्रवाई किया जाए, उनको जल्द से जल्द जेल भेजा जाए और हमारा जो चार्ज शीट है उन्हें जल्दी से जल्दी कोर्ट भेजा जाए। और ये इन्हें कांग्रेस, बसपा और सपा वाले, कांग्रेस और सपा MIM के नेता लोग मिलकर लखनऊ ले जाकर जब बहला फुसला के लखनऊ ले गए और उन्हें आग आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया, और जिसका केस हमारे ऊपर ही थोपा जा रहा है। और उनको ही 2 लाख की मदद वाले भी 2 लाख रुपए दिए भी, और हम लोगों के लिए कोई पार्टी आगे नहीं आ रही है। हम लोग कहाँ को जाएं, हम लोग भागे भागे समय समय से फिर रहे हैं। हम लोगों को धमकियां भी दी जा रही है और हिंदुओं की कोई सुन नहीं रहा है। क्या हिंदुओं का कोई वोट नहीं चाहिए क्या कांग्रेस और सपा बसपा बहुत समाजवादी पार्टी को? वाले आपके यहाँ आए हैं, क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया जो नाली की विवाद थी, उस नाली में जो झगड़ा हुई थी, वही गड्ढा खोदने के लिए हमारे यहाँ गड्ढा खोद दिया, हमारे लड़कों को मारा है हथौड़ा से, और बेगुनाहन सबको गलत वहाँ फंसा करके हमारे पति को जेल भेज दिया और लड़का का, देवर का, सबका जेल भेज दिया। और जो उन्हें कहते हैं कि हम जो है अभी बलात्कार में फंसा देंगे, अभी मारेंगे, उस दिन सफा के साथ जो आए हैं थे हमारे घर झांक रहे हैं, वो उनके बेटे जब जब आते हैं आँखी दिखाते हैं, इधर से झांकते हैं उधर से झांकते हैं, आप हम कहाँ जाएं? सपा के साथ आए थे वो देख रहे थे? नहीं, उसका भाई गुड़िया जो है उसका भाई था, एक साथ में आया था। ये बताएं, आपको अभी तक कोई मदद मिली किसी पार्टी की तरफ से? कुछ नहीं मिली। जो आज विश्व हिंदू परिषद वाले आए हैं, इन्होंने क्या कहा आपसे, क्या आश्वासन दिया है?
अर्जुन साहब, ये आपसे जो विश्व हिंदू परिषद वाले आए हैं मिलने, क्या किस नजर से देख रहे हैं आप ये? ये हमारा पड़ोसी से विवाद हुआ था नाली को लेके, और ये पड़ोसी अफसाना बानो गुड़िया उर्फ गुड़िया और सुल्तान आसमा बानो, ये सब हमारे हमारे जमीन से नाली निकाल रहे थे। हमारे मना करने पे हमको मारा पीटा भी गया, और ऊपर से हमारे तरह तरह के षड्यंत्र रच के मेरे ऊपर FIR भी लिखवाया गया, छेड़खानी का FIR लिखवाया गया, और हमें हमारे तरफ से भी मारपीट की मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन प्रशासन से पुलिस तरफ से हमारे पक्ष में कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और हमें उनके FIR पे हमको जेल भी भेज दिया गया। और ये कुछ उनके पक्ष में राजनीतिक पार्टियां भी लगी हुई हैं, जिनके वजह से हमको तरह तरह के तरह फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। कौन सी राजनीतिक पार्टियां हैं? जिसमें IMI के OYC की पार्टी लगी हुई है, सपा लगी हुई है, कांग्रेस वाले भी लगे हुए हैं, और इन लोगों के उठाने से ही हमको फंसाने के लिए लखनऊ, इन लोगों को बहला फुसला के लखनऊ ले जाया गया, वहाँ पे आत्महत्या करने का प्रयास भी किया गया, और उसमें उसके तहत भी फंसाने का प्रयास किया गया, और इस तरह से हमको तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। हम लोग डरे सहमे हुए हैं। हम इसकी सूचना SP महोदय और DM को भी दे चुके हैं, लिखित में दे चुके हैं, लिखित में हमको धमकी भी मिल रही है। हम डरे हुए हैं, हम घर छोड़ छोड़ के भाग भाग जा रहे हैं, हमारा रहना यहाँ पर दूभर हो गया है, हम बहुत परेशान हैं, हमारी कहीं से सुनवाई नहीं हो रही है, और इस तरह से अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग रहने के धरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और ये विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो हमें आश्वासन मिला है, हमारी सुरक्षा हमारे लिए जो सुनवाई के लिए आश्वासन मिला है, हम इसके बहुत बहुत आभारी हैं, और हम चाहेंगे कि विश्व हिंदू परिषद हमारे साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ा रहे, जिससे हमें किसी प्रकार की कोई समस्या न होने पाए, और हम प्रशासन से चाहेंगे कि जो हमारा मुकदमा लिखाया गया है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, और इनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, जिससे कि आगे की कार्रवाई की जा सके। क्या नाम है? रामजी अग्रारी, विश्व हिंदू परिषद जिला कोषा अध्यक्ष अमेठी जनपद। ये लोग आप जामो आए हैं, क्या है पूरा मामला? भाई सर देखिए, जामो जो हम लोग आए हुए हैं, एक हिंदू परिवार को फालतू परेशान किया जा रहा है, उसको मारा भी गया, पीटा भी गया, और एक जैसे यहाँ उसको फंसाने के लिए लोग तरह तरह की चाले चल के उस मुस्लिम महिला को लखनऊ ले जा करके आत्महत्या कराना, और जैसे इसको फंसाना, और उसके बाद सपा वाले आए यहाँ पे 2 लाख रुपए भी दिए। इस तरह ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए, जिससे हिंदू भी, अगर हिंदू परिवार को भी यहाँ आते उसको भी मदद करते तो अच्छा लगता। तो आप सब क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं हिंदू परिवार को न्याय मिले। किस पद पे हैं आप? भूपेंद्र मिश्रा, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद अमेठी। ये जो जामो आए हैं आप लोग, क्या है पूरा मामला ये? हम एक अर्जुन गुप्ता हैं, उनके लिए हम लोग जामो आए, विश्व हिंदू परिषद परिवार पूरा हमारा आया है, इसलिए आया है कि इस परिवार को यहाँ के लोग जो है या प्रशासन के लोग भी इसका जो है परेशान करिए, और परेशान करने का मतलब ये रहा कि वो एक औरत थी, वो जाके लखनऊ में IIM ओबैसी, एक पार्टी ओबैसी जी की पार्टी है, उसके जिला अध्यक्ष जी है, उसको उस औरत को जाके वहां आत्महत्या कराने का प्रयास किया, बल्कि वो जो है औरत इस समय मर चुकी है, और ये सपा पार्टी है, अभी 2 लाख रुपए उस परिवार को, पीड़ित परिवार को देके गई। क्या ये हिंदू परिवार पीड़ित नहीं था? हिंदू परिवार भी पीड़ित था, जब पीड़ित था इसको भी चोट लगी थी, इसको भी कुछ करना चाहिए, लेकिन सपा पार्टी जो है ये मुस्लिम तुष्टिकरण राजनीति करती है, इसको मुसलमानों से मतलब है, इसको हिंदुओं से मतलब नहीं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे ओबैसी की हो, चाहे सपा हो, इसको हिंदुओं से नहीं मतलब है, लेकिन हम लोगों को हिंदुओं से मतलब है। हम इस परिवार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, अंततः लड़ाई लड़ेंगे, इस परिवार के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। मैं प्रशासन से भी बात करूंगा, आज SP साहब से मिलूंगा, और इस संदर्भ में भी बातचीत भी करूंगा। तो क्या चाहते हैं आप? हम इस परिवार को न्याय मिले, इसका जो मुकदमा लिखा गया है वो उसी तरह से लिखा जाए, उन लोगों को जेल भेजा जाए।